Thank you. वेलकम बैक द ग्रेट व्यूअर्स. अभी हम बात कर रहे थे कि आपका मेजबान यकूब जावेद कमाना डीएनएन स्विंडन यूनाइटेड किंगडम से आपको लाइव मनाजर दिखा रहे थे. हमने आपको टाउन सेंटर दिखाया. टाउन सेंटर में खूबसूरत बारिश हो रही थी. इट वॉज ड्रिजलिंग और कस्टमर निकल चुके थे, लोग शॉपिंग के लिए निकल चुके थे. क्या ब्यूटीफुल समा था. तो हमने आपसे क्या कहा कि अब आपको सरप्राइज देंगे. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लीडर. वो यहाँ के समझ लीजिए कि नंबरदार हैं. वो गांव में भी नंबरदार थे, उनके वालद नंबरदार, उनके दादा नंबरदार, और फिर यहाँ भी आके उन्होंने अपनी वो जो उनकी ट्रेडिशन थी उसको नहीं छोड़ा. इनहेरिटेंस जो थी उसको नहीं छोड़ा. यहाँ वो बड़े मकबूल हैं. तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मलिक वसीम अमान, द बिग बिजनेसमैन ऑफ स्विंडन यूके. और जहाँ मौजूद हैं ये उनके बहुत खूबसूरत ये मोबाइल शॉप्स हैं, यहाँ लैपटॉप्स हैं, क्या क्या नहीं है, एवरीथिंग, ऑल डिजिटल मीडिया के जो जो आजकल लेटेस्ट अप्लाइंसेस हैं वो इनके पास मौजूद हैं. ये क्यों वतन छोड़ के आए, मुल्क क्यों छोड़ा, खूबसूरत खुशबूदार मट्टी क्यों छोड़ के गोरों के देश में क्यों आ गए. तो आइए आपकी मुलाकात कराते, इनसे पूछते हैं इनकी जुबानी, इनकी दास्तान. जनाब मलिक वसीम अमान साहब, अस्सलाम वालेकुम. मलिक साहब जी, वालेकुम सलाम जी. फर्स्ट ऑल तो मैं बहुत शुक्रगुजार, जरा जोर से बोलिए मलिक साहब, कड़क के जे मुजारे नाल गल कर. फर्स्ट ऑल तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच आपका कि आप पूरी दुनिया में जाते हैं और आपने इस हमारा स्विंडन चूज किया, हमारी शॉप चूज की, इसके लिए मैं आपका रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच. मलिक साहब, बस आप ये बताएं कि जिम्मेदारा, नंबरदारी, मुजारे, मुलाजम, खलियान, खेत, खुशबूदार मट्टी क्यों छोड़ा आपने, ये गौरों के देश पे आखिर आपको क्या सूझी, क्यों चले आए? जी कमेरा साहब, इसकी सिर्फ एक ही बात है. मैं आपको ये एक खूबसूरत शेर सुनाइए, मुझे एक बड़ा मारूफ शेर है, सुनाइए जरा. फूल वो सर चढ़ा जो चमन से निकल गया. फूल वो सर चढ़ा जो चमन से निकल गया. इज्जत उसकी हुई जो वतन से निकल गया. लो जनाब, कमाल बात हुई. क्या स्कूल ऑफ थॉट है, फूल वो सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसकी हुई जो वतन से निकल गया. तो मलिक साहब, वतन छोड़ने के बाद बिल्कुल सब आप जो पिछला कहते हैं कि अपना शेजरा भूल गए? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एवरी 6 महीने जोर से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच हूँ और अपनी मिट्टी के साथ, वतन के साथ बहुत अटैच हूँ. मैं हर 6 महीने बाद, साल बाद अपने गांव जाता हूँ, विलेज जाता हूँ, अपने डेरे में बैठता हूँ, हर चीज़ मसले हल करता हूँ. जो जो मेरे जिम्मेदारी आती है वो मैं बखूबी अंजाम देता हूँ. मेरे वाल सब हयात हैं, मैं हर साल बाद उनको मिलने जाता हूँ और वालदा की और दादा के ताया की कब्रों में जाकर अपनी हाजिरी देता हूँ, क्योंकि वो मेरी मिट्टी है, मैं इस मिट्टी को नहीं भूल सकता. आज अल्लाह ने जो मेरे ऊपर कर्म किया है ये मेरे वालदेन की दुआओं के साथ किया है. मलिक साहब ये बताएं कि आपको, आप जरा मुझे वो दिन बताएं जो पहला दिन था जब आपको धूल और मिट्टी से अट उस सड़क से गुजारते हुए आपके वालिद मोहतरम स्कूल छोड़ने गए थे. उस स्कूल का नाम बताइए जहां से एक नन्ना वसीम फिर स्विंडन यूके का बिग बिजनेसमैन बना. जरा आइए हम आपको, हमें अपने स्कूल में लेके चाहिए कि वो स्कूल कहाँ था, कैसे जाते थे, असातिज़ा कैसे थे, और वहाँ उस स्कूल का नाम बताइए, वो किस गांव में था, उसको तहसील कौन लगती थी, थाना कौन सा लगता था. जरा आइए हम आपको, हमें हमारे नाज़रीन को, हमारे ग्रेट व्यूअर्स को, हमारे तमाम दुनिया के नाज़रीन को बताइए कि टाट मीडियम में उठने वाला वसीम फिर यूनाइटेड किंगडम में बिग बिजनेस बन गया, हमें स्कूल लेके जाइए जरा. जी मेरा स्कूल का जो नाम था वो गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटी नाम था. गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटला, गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटी नाम, और ये मेरे घर के बिल्कुल ही करीब था. और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज जो सियालकोट से जीपीसी या गवर्नमेंट बिल्डिंग इंस्टीट्यूट से, उसके बाद मैं उधर पाकिस्तान में था तो मैंने चाहा तलीम हासिल करने के लिए, वो जो कहते हैं कि तलीम हासिल करने के लिए इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े, इमामुल अंबिया ने कहा. तो इसलिए मैंने वो इल्म हासिल करने के जस्तजू में लंदन आ गया. और यहाँ से आकर मैंने पहले अपनी बिजनेस कम्युनिटी में अपना यानी कि डिग्री कम्प्लीट की बॉर्मस यूनिवर्सिटी से,
और उसके बाद मैंने कुछ छोटी मोटी जो हर बंदा इधर करता है अगर जा पाए। यानी आपने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी रिस्क हलाल के लिए, आपने दिन रात मेहनत की। बिल्कुल, रिस्क हलाल के दिन रात मेहनत की, अपने स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फीसें पूरी की अपनी जेब से। स्टार्टिंग में जो आए गए थे घर से लेकर पैसे, बाद में घर से कोई पैसा नहीं पाया और इधर से आकर सारा किया। उसके बाद फिर मैंने ऐसी फिर अल्लाह ने बांह पकड़ ली, बाजू पकड़ लिया और मैंने कारोबार स्टार्ट कर लिया। अलहमदुलिल्लाह कारोबार में है। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं मलिक साहब, यहाँ आके जितने भी एशियन हैं उनसे जब हमने बात की, अभी मैं खुद भी लिस्बन में था, मैंने वहाँ लिस्बन यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मीडिया स्पेशलाइज किया, वहाँ से डिप्लोमा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अक्सर देखा कि जितने भी हमारे एशियन हैं वो ग्रॉसरी स्टोर करते हैं, उनका मेन बिजनेस ग्रॉसरी स्टोर है, लेकिन वो साथ कहते हैं जी सेल बढ़ जाती है अगर उम्मुल खुबाइस हम लेकर ना रखें। तो आपने, आपको कभी ख्याल आया कि आप इस बिजनेस में आने की बजाय एक शराब खाना खोलते, जिस तरह हमारे अब मैं नाम नहीं ले सकता, वो जाके बड़े खड़पैंच बने, पंजाब के गवर्नर बने और कारोबार शराब का था। तो आपको भी कभी ख्याल आया या आपके सामने सरदारुल अंबिया का फरमान आ गया कि ये उम्मुल खुबाइस है और आपने, आप इससे दूर रहे और अल्लाह ने आपके रिज़्क में बरकत दी? जी बिल्कुल, जब मैंने कारोबार स्टार्ट किया मेरे पास बहुत ऑप्शन थी, रेस्टोरेंट को ओपन करूँ या ये करूँ, ग्रोसरी करूँ, शराब का करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हक हलाल का खाना है तो अल्लाह ताला हक हलाल में अगर बंदा मेहनत करे तो अल्लाह ताला हक हलाल में बहुत बरकत डालते हैं। और मेरा इस चीज़ पे ईमान है, पुख्ता ईमान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वैसे भी जो टेक्नोलॉजी का बिजनेस है ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि इसमें एवरी डे वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू। सो एवरी डे एवरी थिंग न्यू थिंग कम इन द मार्केट, सो वी हैव टू लर्न। सो इसमें मैं ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, प्लस इसमें ये है कि रिपेयरिंग का काम है ये हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो दूसरे बिजनेस हैं वो उसमें उनमें से क्या कहते हैं हर चीज़ सामने होती है, ये जो जितनी भी चीज़ होती है ये हमने हमने ठीक करने हैं तो पैसे लेने हैं, तो इसलिए ये मुझे ज़्यादा मजा है इस बिजनेस में। मतलब यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है या एशियन कम्युनिटी है उसका क्या रोल है और उसमें आपका क्या रोल है? आप पाकिस्तान के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं, एम्बेसडर के लिए क्या मैसेज देंगे, पाकिस्तानी हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? यहाँ भी वजीर आजम तीन बदल गए, मिनटों के अंदर तीन बदल गए, कोई हंगामा नहीं हुआ, और ये बदनसीबी हमारे यहाँ क्यों है और इसका कोई हल बताइए कि ये तहजीब का जो जनाजा निकला हुआ है इसको हम कैसे संवार सकते हैं? जी यहाँ माशाल्लाह काफ़ी हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है लेकिन सारे वेल सेटल लोग हैं, यानी कि मतलब कि सब वेल सेटल हैं। और मतलब वेल सेटल तो आके हुए ना, धक्के खाए, मेहनत की, मजदूरी की, यहाँ कोई बदनामी तो नहीं ना कि चोरियाँ और डकैतियाँ करें या फ्रॉड करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मेहनत की, हक लाल की और सारे ठीक हैं। और पाकिस्तानी हमारी दो तीन इधर मस्जिदें हैं और उनमें सारी कम्युनिटी के मेम्बर इकट्ठे होते हैं, लाइक वंस अ मंथ जब भी कोई प्रोग्राम होता है और हम भी उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हमें वो बुलाते हैं, फिर जो हमारी हमारे ऊपर वो कहते हैं जी आपने इतना हिस्सा डालना है, इतने आपने पैसे देने हैं कम्युनिटी के लिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं उनके साथ और वो भी कॉपरेट हमके साथ करते हैं, हम उनके साथ करते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से हम जा रहे हैं सारे। मलिक वसीम अवान साहब ये बताइए कि जो क्राइम रेशो है, क्राइम रेशो है जिसमें इस्लाम को बड़ा बदबख्तों ने स्टिग्मा लगाया कि जी हम टेररिस्ट हैं, कहाँ टेररिस्ट हैं हम, हमारी यहाँ जो कम्युनिटी है उसका रोल क्या है, उनकी क्राइम की रेशियो जो एशियन की है उसमें हमारी क्राइम रेशियो क्या है, खास तौर पे पाकिस्तानियों के बारे में बताइए, उम्मीद है कि 0/0 होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ ये जो वैसे ये मीडिया में छा रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्राइम है, ये है इधर कोई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, कोई क्राइम नहीं, जोर से बोले प्लीज, पाकिस्तान अच्छा कंट्री और हम पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं, हम बिलोंग टू पाकिस्तान। तो हमारे सारे जितने भी मेरे अपने काफी गोरे दोस्त हैं उनको मैं खुद समझाता हूँ कि भाई ये वैसे मीडिया में है, इससे कोई क्राइम शराब नहीं है, या आप हमें देख रहे हैं, हम आपसे कैसे मिल रहे हैं और अच्छे रिलेशन है। मेरे नेबर गोरे हैं, वो एवरी हमारी ईद पे वो हमारे घर में स्वीट भेजते हैं, जब उनका क्रिसमस था हम उनके घर में चॉकलेट भेजते हैं। यानी मलिक साहब ये बात कंफर्म है कि दीन इस्लाम जो है वो पीस का दीन है, अमन का दीन है और सरदारुल अंबिया का दीन जो है वो अमन का दर्श देता है, इज इट राइट सर? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये राइट है। अब आस्ता आस्ता काफी अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से काफी गोरे जो है वो मुसलमान हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि जब उनको पता चला, यानी कि मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ कि किसी ने पूछा कि आपके जो औरतें हजाब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हमने कहा कि जो हॉली कुरान है, कुरान जीदा है, उसको गिलाफ में रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि वो एक पाक किताब है,
इसीलिए हम अपनी औरत को इसलिए रखते हैं, वो जब वो औरत पैदा होती है उसका भाई उसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में छोड़ने जाता है, जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है उसका बाप जाता है, जब फिर उसकी शादी हो जाती है उसका मियां करता है, तो थोड़ी सी और उसका बेटा करना शुरू, और बेटा उसका ये समझता है कि इसकी कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। तो जब उनको ये सारी गौरों को ये सारी चीजें बताई, उन्होंने कहा हमारी औरतें यार ये इतने हमारे को क्राइसिस आ रहे हैं, हमारी औरतें ऐसे कर रही हैं। अब वो काफी औरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें सुनकर और ये देखकर हम लोगों से मुसलमान हो रहे हैं। ग्रेट व्यूअर्स, खूबसूरत गुफ्त को जारी रहेगी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। मलिक वसीम साहब ने क्या खूबसूरत बातें बताई, हमारे साथ रहिए, हम ये नहीं कहते कि यहीं रहिए, जाइए, हैव ए कप ऑफ टी, हम यूं लौटें।